पाल और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेसेस फॉर शॉर्ट कॉलम ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो वीडियो होने वाला है बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताने वाला हूँ कि आप इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं जो आपके एग्जाम में करीब करीब फोर मार्क्स के लिए आते हैं ठीक है तो चलो स्टेप बाय स्टेप इस न्यूमेरिकल को समझते हैं शॉर्ट कॉलम ऑफ हॉलो सर्कुलर सेक्शन मतलब आपके पास जो सेक्शन है वो कौन सा सेक्शन है हॉलो सर्कुलर सेक्शन है मतलब जो मिडल पोर्शन है ओके दैट इज ब्लैंक ठीक है यहाँ पे कुछ नहीं है राइट सो हॉलो सर्कुलर सेक्शन ठीक है हैविंग एक्सटर्नल डायमीटर इसका एक्सटर्नल डायमीटर कितना है तीन सौ एम इट मीन्स कि यहां से लेके इतना डायमीटर कितना है इसका तीन सौ एम हो गया ठीक है ठीक है दिकनेस इज ट्वेंटी एम एम और इसकी जो थिकनेस है वो इन्होंने दी है कितनी 20 एम mm. ठीक है इज सब्जेक्टेड टू अ लोड ऑफ 50 किलोमीटर अप्लाइड ऑन द ब्रैकेट प्रोवाइडेड द लोड इज द लोड लाइन इज ऑफ द एक्सिस बाय 180 एम mm. एम मतलब क्या कि यहाँ पे सबसे पहले आपको तो लोड लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी मतलब एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस ड्रा करनी पड़ेगी ये इसका पॉइंट है अब इस पॉइंट से ठीक है सॉरी ये एक आपका इसका मेन पॉइंट है ठीक है एक्सिस का और यहां से उसने बोला कि जो लोड लाइन है वो एक्सिस से 180 मीटर बाहर है मतलब दोस्तों आप जानते हैं कि 300 सौ mm ये हो गया तो ये भी 300 सौ mm एमएम है आपका ठीक है तो यहां से ये यहां पे है ऐसा समझ के चलिए P यहाँ पे आ रहा है मतलब E इक्वस टू वॉट ये E जो है ये आपको यहाँ पे मिल गया अप्रोक्सीमेटली कितना आपका 300 सौ एमएम ठीक है तो अगर मेरा ये सौ mm है और थिकनेस 20 एम mm है तो इसका डायमीटर कितना हो गया छोटे सर्कल का डायमीटर कितना हो गया 300 में से 20 20 माइनस करो दोनों साइड से तो ये मिल गया आपको कितना है? 260 तो 260 आपका इसका डायमीटर हो गया ठीक है तो अभी यहां पे हमें क्या निकालना है मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेस मतलब हमें निकालना है यहाँ पे सिग्मा मैक्स ठीक है और सिग्मा मिनिमम निकालना है ठीक है ये क्लियर हो गया अब चलो इसको सिर्फ बाय सिर्फ सॉल्व करते हैं तो जब मुझे सिग्मा सिग्मा मैक्स और मिनिमम निकालना है तो मेरी स्टेप नंबर वन है कैलकुलेशन ऑफ द डायरेक्ट स्ट्रेस ओके एंड बेंडिंग स्ट्रेस तो डायरेक्ट स्ट्रेस मुझे निकालना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा यहां पे लिखूंगा डायरेक्ट स्ट्रेस तो डायरेक्ट स्ट्रेस जो का फॉर्मूला क्या है दोस्तों यहाँ पे आपको पता होगा सिग्मा ओ इक्वल्स टू लोड अपॉन एरिया लोड कितना आ रहा है आपका वो आ रहा है फिफ्टी इंटू टेन एच टू पावर थ्री न्यूटन डिवाइडेड बाय एरिया कितना रहेगा मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था पाई बाय फोर ओके डिवाइडेड बाय कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर तो चलो वो रख देंगे पे ये हो जाएगा फिफ्टी इंटू टेन एच टू पावर थ्री डिवाइडेड बाय पाई बाय फोर इन ब्रैकेट थ्री हंड्रेड स्क्वायर माइनस छोटा स्मॉल डी कितना हो गया टू so, सिक्सटी स्क्वायर ठीक है सो हाउ मच इज द डायरेक्ट स्ट्रेस डायरेक्ट स्ट्रेस हो गया आपका टू पॉइंट एट फोर टू ओके न्यूटन पर एम एम स्क्वायर ये हो गया आपका डायरेक्ट स्ट्रेस ठीक है अब आप बेंडिंग स्ट्रेस निकल लो ठीक है तो बेंडिंग स्ट्रेस कैसे निकलेगा वो ऐसे निकलेगा बेंडिंग स्ट्रेस तो बेंडिंग स्ट्रेस आपका सिग्मा बी से रिप्रेजेंट हो जाएगा ओके दैट इज मोमेंट डिवाइडेड बाय जेड सो मूवमेंट जो है वो आपका कितना निकलेगा पी इन टू ई ओके डिवाइडेड बाय जेड मतलब आपका हो जाए आई बाय वाई हो जाएगा ओके सो पी इंटू ई आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है ओके okay, लेकिन जो आई बाय वाई है वो फार्मूला क्या हो जाएगा दैट विल बीक टू पाए बाय थर्टी टू ओके इन ब्रैकेट डी टू द पावर फोर माइनस स्मॉल डी टू द पावर फोर डिवाइडेड बाय कैपिटल डी ओके ये हो जाएगा नाउ लेट्स पुट द वैल्यू इन दिस तो अगर मैं इसके अंदर वैल्यू पुट करता हूँ तो इसका क्या फंक्शन हो जाएगा देखो फिफ्टी इन टू टेन एक्स टू पावर थ्री इंटू इसटी कितनी दोस्तों इसकी वो है आपकी वन एटी ओके कैसे पता चला वन एटी क्योंकि इन्होंने डिफाइन किया है द लोड लाइन इज ऑफ द एक्सिस बाय बाय ठीक है है तो इन ब्रैकेट डी कितना आपका ये हो गया तीन सो टू पावर फोर माइनस टू सिक्सटी हो गया आपका स्मॉल डी टू द पावर फोर डिवाइडेड बाय ओके इसको टू द पावर फोर प्रॉपर लिख देता हूँ तो लोग कुछ और समझेंगे राइट right? डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा ये थ्री हंड्रेड ठीक है तो इसको मैं सॉल्व करता हूं ओके सो हाउ 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 मच वैल्यू आई कैन गेट मुझे मिल रही है पे न्यूटन पर एम एम स्क्वायर दैट इज सिग्मा बी होप यू अंडरस्टैंड दिस राइट नाउ अभी मुझे क्या निकालना है मुझे निकालना है सिग्मा मैक्स सिग्मा मिनिमम सिग्मा मैक्स का फार्मूला क्या होता है काफी सिंपल फंक्शन है देखो सिग्मा मैक्स मतलब होता है आपका डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस डायरेक्ट स्ट्रेस कितना है आपका वो आया आपका कितना 2.842 प्लस बेंडिंग स्ट्रेस कितना है आपका 7.790 तो कितना हो गया ये ये हो गया आपका 10.632 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर एंड व्हाट अबाउट सिग्मा मिनिमम सिग्मा मिनिमम कितना है क्या डायरेक्ट स्ट्रेस माइनस ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस तो डायरेक्ट स्ट्रेस कितना है वो है आपका टू फोर टू माइनस ऑफ सेवन पॉइंट सेवन नाइन जीरो तो कितना आ जाएगा ये ये आ जाएगा आपका माइनस फोर पॉइंट फोर नाइन जीरो न्यूटन पर एम एन स्क्टर करेक्ट तो ये आपका हो गया सॉल्यूशन ओके तो इसी के साथ आप इतना आसानी से इस कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल जो आपको लगता है यूजुअली लड़कों को ये आसानी से सॉल्व कर सकते हैं वीडियो अगर आपको अच्छा लगा दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा